कुछ ऐसा हुआ जो हम लोग को पहले भी दो तीन बार हो चुका है, हमें दौरे पड़ते हैं। Hi guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. तो कल कुछ ऐसा हुआ जो हमें लगा कि ये वर्थ शेयरिंग है, आपको पता चल ही गया होगा डिस्क्रिप्शन से। तो हमने सोचा कि जो भी इंसिडेंट कल हुआ वो हम आपके साथ शेयर करें। तो आप जाइए, ये वीडियो पूरा देखिए और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग फिर से आपके साथ बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करेंगे जो हमने एक्सपीरियंस किया और जो हमने इम्प्लीमेंट किया है। गाइज, अभी रात के 12:30 बजे हैं और शायद कोई अलार्म बज रहा है फायर का। श्वेता रेडी हो रही है, तो हम लोग ये खाने के लिए ले रहे हैं इमरजेंसी के लिए। ज़्यादा लेट हो गए, होपफुली आग नहीं लगी हो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सारी रात चलना पड़ेगा। अभी हम एम्स पे पहुँचे हैं, तुमसे ये 6 है, सो हम 13 से आ रहे हैं नीचे उतरने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वापस से अपार्टमेंट के लोग बाहर आ गए। था तो ये जो एरिया दिख रहा है ना सामने, ये वाला, ये यहाँ से ऊपर में कहीं तो आग लगी थी जिसकी वजह से ये पूरा धुआं धुआं हो रहा था। हाँ, मतलब यहाँ से वो ऑटोमेटिक पानी आ गया। हाँ, तो ये सारा पानी गिर रहा था कंटिन्यूसली क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। तो गाइस, हम वापस आ रहे हैं, तो फाइनली कुछ भी नहीं था और हमेशा की तरह एज यूजुअल, नहीं पिछली बार कुछ तो था। 13th फ्लोर पे आ गए,
और अब थोड़ी चैन की सांस। लास्ट टाइम तो हम लोगों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ी थी, तो इस बार हमें कोरोना का डर था। अभी जो रीसेट किया है ना उसने, वही शायद लास्ट टाइम फंस गया था, जिसकी वजह से उसको आके और लॉक ओपन करना पड़ा था 13th फ्लोर पे। उसकी हालत सुन। हाँ, लेकिन इस बार तो जो कोरोना का डर था और चार लोग एक साथ। और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है कि कुछ हुआ नहीं, तो अब हम लोगों को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। बहुत जल्दी ही फायर डिपार्टमेंट वालों ने बोल दिया था कि सब ठीक है, यू आर गुड टू गो। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे एलिवेटर के रीसेट होने का। श्वेता को जज नहीं करना क्योंकि श्वेता ने मेकअप नहीं किया। और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सोई हुई थी, तो प्लीज़। और मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मुझे मेकअप करने की जरूरत नहीं। अरे मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, मैं ऐसी ही हूँ। और मेरे बाल मुगली जैसे लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं हूँ, बट अभी सिचुएशन ये हो गया। तो हमें मौका नहीं मिला ये बिस्किट खाने का। गौरव का प्लान था कि पूरा बिस्किट इसे एक घंटे में खा लेंगे, लेकिन ऐसा मौका फायर डिपार्टमेंट वालों ने दिया नहीं। तो हम लोग देखो क्या क्या लेकर गए थे। एक ये बॉटल पानी का, वो बिस्किट तो दिखाया, जिसमें कि बहुत सारे एसेंशियल्स थे। हमारा लैपटॉप था, ये पासपोर्ट बैग था जिसके अंदर पासपोर्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। फिर हम बाद में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल रात 12:30 बजे एक अलार्म, फायर अलार्म एक्चुअली बजा था, और उसके बाद हम लोगों को एज अ प्रिकॉशन सब कुछ अपना सामान लेके जो हम ले सकते थे, वो एक किट बना के जो हम लोग ले रखते हैं वो लेके, और हम लोगों को नीचे जाना पड़ा। फॉर्चुनेटली बहुत बड़ा कोई केस नहीं था और जल्दी ही रिजॉल्व हो गया और हम लोग वापस आ गए। बट यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप सबको पता ही होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक रूल है कि ज़रा सा भी स्मोक कहीं से भी डिटेक्ट होता है, चाहे वो घर में हो या फिर किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, तो ये फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो नो मैटर व्हाट, वेदर इट इज़ अ फॉल्स अलार्म, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आपको निकलना है घर से, अदरवाइज यू विल बी कॉट इन फायर। तो उसकी वजह से हमें निकलना ही पड़ा उस टाइम पे, और ये हमारे साथ पहली बार हुआ कि रात को, आधी रात को फायर अलार्म बजा, तो हम नीचे गए। और उसके बाद आपने वीडियो में देखा है कि क्या क्या हुआ और कैसे कितनी देर में हुआ, तो वो विदिन 10 to 15 minutes में सब कुछ रिजॉल्व हो गया और हम वापस आ गए, और ऐसा कुछ लॉस नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो एक्चुअली ऐसा हम लोग 2-3 बार फेस कर चुके हैं। कई बार ऐसे फॉल्स अलार्म होते हैं और कई बार वो एक्चुअल अलार्म होते हैं, मतलब लेकिन केस बहुत बड़े नहीं थे, फॉर्चुनेटली ये सब सही है। और ज़्यादातर यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके जो मैनेजमेंट है वो इसका पूरा केयर करते हैं। इंडिया में नहीं होता है ये, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये एक मैंडेटरी रूल है कि आपके घर में स्प्रिंकलर्स, आपके घर में स्मोक अलार्म्स, फायर अलार्म्स, ये सब स्पीकर्स, ये सब लगे रहते हैं। तो ये रीज़न इसके पीछे ये है कि इंडिया में हमारा पूरा घर वो कंक्रीट से बना हुआ होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्योंकि स्नोफॉल होता है और बहुत सारे दूसरे रीजंस की वजह से, यहाँ पे जो बेस होता है वो कंक्रीट बेस होता है और जो भी घर बनता है वो कंक्रीट मिक्स होता है, लेकिन मेनली घर का जो मेजर पार्ट होता है वो लकड़ी का बना होता है। ऐसे ही आग लगती है, छोटी सी भी आग पूरे घर को जला सकती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिया जाता है इन सब चीज़ों में, और यहाँ जो फायर डिपार्टमेंट है वो इतने अलर्ट पे रहता है कि पूरी सिटी में, अगर आप यहाँ डाउन टाउन में या कहीं भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में डाउन टाउन में रहते हैं, तो पूरे टाइम आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देती ही रहेगी, क्योंकि और स्मोक डिटेक्टर भी लगे हुए हैं, तो बहुत जल्दी अगर आप किचन में कुछ बना, जैसे मेरे जैसे लोग अगर कुछ बनाते हैं तो तो हमेशा, इनफैक्ट अगर आप चपाती बनाते हो या पराठा बनाते हो जिससे कि थोड़ा भी धुआं निकलता है, तो वो किचन के ही ऊपर में लगा रखा है कि जरा सा भी धुआं निकला वो स्मोक डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है और वो बजना शुरू होता है। बट दैट इज समथिंग पर्सनल डिटेक्टर, सो उससे आप पर्टिकुलरली अलर्ट हो जाते हो कि कुछ हो रहा है, कहीं बाहर गए हो और आपके घर में अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ है, तो बिल्डिंग मैनेजर जो है उनको पता चल जाएगा और आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि कहीं से ये अलार्म बज रहा है और कुछ प्रॉब्लम है। सो वो एक बेस्ट चीज़ है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि यहाँ पे लोग बहुत प्रॉपरली ये सब रूल्स फॉलो करते हैं, फायर डिपार्टमेंट वाले हों या फिर जो बिल्डिंग मैनेजर्स हैं वो बहुत अलर्ट होते हैं, सब कुछ बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब हम आते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि हम जब आए थे तो हमें क्या नहीं पता था और हमने क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जो कि हमें बहुत फ़ायदा देती हैं, तो वो हम अभी आपसे शेयर करेंगे।
तो बेसिकली क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि कब फायर अलार्म बज जाए और कब किसने अपने घर में क्या जला दिया जिसकी वजह से आग लग गई. तो जब ये फायर अलार्म बजता है यू डोंट हैव टाइम. सपोज अगर सच में आग लगी है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि आप कोई भी सामान अपना निकालो. आप बस जैसी हालत में हो आपको वैसे दौड़ना पड़ता है. तो उससे क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं रहने की वजह से आपके बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं उस टाइम पे. तो जब हम इनिशियली यहाँ पे आए थे तो हमें हैबिट नहीं थी उस चीज़ की, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है. तो उस टाइम पे हम बस ऐसे ही निकल जाते थे, हम कुछ नहीं लेते थे, हम बस ऐसे ही निकल जाते थे. तो एक मोबाइल होता था तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम कहीं जाके बैठ नहीं सकते, किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते ताकि थोड़ा टाइम स्पेंड हो, या फिर इन केस ऑफ वर्स्ट फायर आप कहीं भी नहीं जा सकते किसी होटल में रुकने के लिए बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग विथ यू, ना आपका कार्ड है ना आपका पैसा है. तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ ये सेम रूल्स फॉलो करते हैं लोग आप वहाँ रहते हो. तो आपको भी एक चीज़ करना हमेशा ज़रूरी है जो कि हमें फ़ायदा किया और आपको भी करेगा. एक हमेशा अपना एक किट बना के रखिए जो कि कभी भी कोई फायर अलार्म बजता है आप उस किट को उठाइए और चले जाइए. उसके अंदर सारे एसेंशियल्स रखिए अपने. हमारा जो किट है जो हमने बनाया है वो कुछ ऐसा है जो हम आपको भी दिखाएंगे. तो हमारे पास ये बैग है, ये बैग हम हमेशा इसको एज अ किट बना के रखते हैं. इस बैग में हमारे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. यू कैन कीप योर पासपोर्ट हियर और हमेशा रेडी रख सकते हो ताकि बस आप इसको उठाओ और लेके चले जाओ. तो जो हम हमेशा रखते हैं इस किट में वो है ये बैग है, ये पासपोर्ट बैग है जिसके अंदर हमारा पासपोर्ट रहता है और हमारे ये सारे कार्ड्स हैं. तो ये जितने भी कार्ड्स जो हम हमेशा यूज़ नहीं करते हैं वो यहाँ पे रहते हैं. और ये वॉलेट है जो कि गौरव का है ऑब्वियसली, और ये सारा बैग के अंदर जाता है. उसके अलावा अगर आपके घर में लैपटॉप है जो कि 100% सबके घर में होगा, या तो वो पर्सनल लैपटॉप होगा जिसके अंदर आपके बहुत सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, या फिर आपका वर्क लैपटॉप होगा. तो वर्क लैपटॉप भी ऐसा है जो कि कंपनी ने आपको दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको उसका टेक केयर करें. तो जब भी आप इस बैग को इस किट को बना के रखते हैं इसके अंदर अपना पासपोर्ट अपने सारे वो कार्ड्स जो इस बैग में हमेशा रखिए. और अगर आप फायर अलार्म बजता है आप सिर्फ इस बैग को उठा के लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 2 मिनट या कुछ सेकंड का टाइम है आप अपना लैपटॉप, एक बॉटल पानी, कुछ खाने का सामान, क्योंकि अगर वो फॉल्स अलार्म है तो भी हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे वेट करना पड़े. आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पैसा, आपका पासपोर्ट, ये सब वापस लेने में बहुत प्रॉब्लम है. तो एक आप किट बनाइए जिसके अंदर आपके जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा रखिए. जैसे आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, या फिर जो भी आपके पास है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो हमेशा उस किट में रखिए. अपना पासपोर्ट रखिए, अपने इम्पॉर्टेंट कार्ड्स उसके अंदर हमेशा रखिए. उसके बाद जैसे ही अलार्म बजता है उसके अंदर आप अपने लैपटॉप को डालिए, ये बॉटल एक पानी का डालिए, खाने का कुछ भी उसके अंदर डालिए, जो भी आपके हाथ लगता है उस टाइम लेके जाइए. अदरवाइज अगर आपके पास कार्ड है यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट दैट, आप बस निकल जाइए. ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ करिए अपने लाइफ में यहाँ आने के बाद जो कि यहाँ की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत हेल्प मिला उससे. आई होप ये सेम आप भी करते होंगे, और अगर जो लोग नहीं करते हैं आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट कीजिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि सिर्फ अपनी जान बचाना. तो अगर आपको इनकेस आपको लग रहा है कि बिल्कुल टाइम नहीं है तो जस्ट रन. उसमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी वापस. सेकेंडली आप एक सीक्वेंस में देख सकते हैं कि आप जस्ट अपना वॉलेट ग्रैब करके भाग सकते हैं तो वो भी चलेगा. बस इनकेस यू ऑलरेडी हैव किट वो आपके लिए इजी. वेल एंड गुड. आई होप आप लोग भी कुछ प्रिकॉशंस लेते हो ऐसे. और तो गाइज आप लोगों में से कितने लोग किट बना कर रखते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए वो कमेंट करके नीचे बताइए इस वीडियो में. अगर आप सेम करते हैं तो वो भी बताइए. अगर आप नहीं करते हो और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप करना चाहेंगे और ये हेल्पफुल रहा आपके लिए तो वो भी बताइए. और अगर आपके पास कुछ और टिप्स हो जो कि हम फॉलो कर सकते हैं या कोई और व्यूअर्स फॉलो कर सकते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा. तो जो भी है आप जो भी शेयर करना चाहते हैं या कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. सो गाइस सी यू नेक्स्ट व्लॉग. बाय.